हेलो बाळको, गुड मॉर्निंग। आपने धोरण एक में हिंदी विषय में अपने अक्षर सुलेख ए चोपड़ी में अपने स्वर जुए छे। एम अपने जुई गया अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से ईक, उ से उनलू, उ से ऊन, ऋषि ऋषि, ए से एडी, ई से एनक अने ओ से ओखली। तो हवे आगनो स्वर जुए, ओ से औरत, औरत यानी कि स्त्री। तो सौ प्रथम तमारे सी डबल्यू तारीख लखवानी छे, नीचे एच डबल्यू लखवानू नथी, कारण के जेटला पेज मैडम चलावे एटला पेज तमारे चोपड़ी में लखवाना छे। तो ओ से औरत, औरत यानी कि स्त्री। ओ से औषधि, औषधि एटले दवाओ। तो अहीं ओ का अभ्यास करे तो तमारे अहीं गुटी गुटी ने लखवानू छे बोली बोली ने। तो ओ से औरत, ओशे औरत, ओशे औरत, ओशे औरत। एवी रीते आ बधाज खानामां तमारे ओशे औरत एवी रीते गुटी गुटी ने लखवानुं छे। खाली खानामां तमारे जाते लखवानुं छे। हवे अहींया जोईए, चित्र पहचान कर, शब्द पूरे कीजिए। तो आपने अहींया चित्र आपेलू छे अने शब्द अधूरा आपेला छे, तो आपने चित्र जोईने आ शब्दने आपने पूर्ण करवानू छे। तो अहींया जोईए, सौ प्रथम छे इमली। तो आपणे अहींया लखीशुं इमली का ई, पछी छे औरत, तो अहींया लखीशुं ओ, तो आखो शब्द बनशे औरत। पछी छे ઉસ્ત્રા, ઉસ્ત્રા એટલે અસ્ત્રો, तो अहीं आपणे लखीशुं સ્તરા લખેલું છે, तो आपणे આગળ ઉ લગાવી દઈશું એટલે ઉસ્ત્રા। પછી બાજુમાં જોઈએ અહ, અહ એટલે અહથી એટલે કે અંગૂર, અહ સે અંગૂર, અહ સે અંગ, અંગ એટલે આપણા શરીરના અંગો। તો અહ કા અભ્યાસ કરે તો અહીં આપણે બોલી બોલીને લખવાનું છે અહ, अह अह, अहसे अंगूर, अहसे अंग, अहसे अंगूर, अहसे अंग। तो एवी रीते तमारे आ बधाज खानामां अह लखवानुं छे अने आ खाली खानामां जाते लखवानुं छे। हवे नीचे जोईए, चित्र पहचाने और उसके नाम का पहला अक्षर लिखे। અહીંયા આપણને ચિત્ર ઓળખવાનું છે અને એનો નામનો પહેલો અક્ષર અહીંયા લખવાનો છે। તો સૌ પ્રથમ શું છે? ઓસ, તો અહીંયા લખીશું આપણે ઓ। પછી છે આ અંગનું ચિત્ર છે, બધા શરીરના અંગો છે, તો અહીંયા લખીશું અંગ, અ, અહ। પછી આવે છે ઉલ્લુ, તો અહીંયા લખીશું ઉ। તો આપણે આજે ઓ અને અહ એ બે સ્વરનો અભ્યાસ કર્યો। તો તમારે પાન નંબર 16 અને 17 તમારી ચોપડીમાં લખવાનું છે। હવે આગળનું આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું। થેન્ક યુ।